ආදින්න දාන වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ආදින්න දාන වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ධම්මපද කථා ගාථා 70 या 77। ये जो कथा और गाथा है ये कीटागिरी का नाम की एक जगह है, वहां की है। दो भिक्खु होते हैं, अस्स जी और पुनब्बसु। पुनब्बसु और अस्स जी दोनों ने कीटागिरी में अपना डेरा डाला, अपना एक भिक्खु का विहार बनाया और वहां पर दोनों खेती करने लगे और बड़े सारे उन्होंने वहां शिष्य बना लिए। खेती करने लगे, फूल उगाने लगे, सब्जियां उगाने लगे, फल उगाने लगे, फूलों की मालाएं बनाने लगे। उन मालाओं को जो वहां की स्त्रियां, सब तरह की स्त्रियां थी, उनको देने लगे। जो सब्जियां उगाई थी उनका खाना बनाते और वहां जो स्त्रियां जो आती थी या जो लोग आते थे उनके साथ बैठ के उन्हीं के साथ एक साथ खाते और उन्हीं के साथ उठना बैठना वो करते। ये सारे व्यवहार एक भिक्खु के लिए विनय पिटक के हिसाब से वर्जित हैं। ना तो भिक्खु सब्जी उगा सकता है, ना कोई पैदावार कर सकता है, ना ही कोई काम कर सकता है और फूल और माला तो बिल्कुल उसके लिए निषेध है, वारित है, उसको वर्जित है, वो उसको नहीं कर सकता और साथ बैठ के किसी के खाना खा नहीं सकता और ना ही किसी के साथ आम आदमी के साथ में वो बैठ सकता है। भिक्खु से भी दूरी बना के बैठेगा। ये नियम है, ये सारे नियम देख के एक एक करके बनाए गए हैं। जो प्रैक्टिस में खलल डालते थे, परेशानी पैदा करते थे, उसी समय भगवान कोई ना कोई नियम बनाते थे और वो नियम जुड़ते चले जाते थे। ऐसा नहीं है कि सारे नियम चमत्कारिक हैं और भगवान बुद्ध ने आंख बंद की और सारे कह दिया कि ये नियम ऊपर से आए हैं, ये नियम कहीं ईश्वरीय शक्ति से आए हैं या कहीं गॉड से आए हैं और ये सारे नियम ऐसे हैं। ऐसा नहीं है। पहले संघ बनाया, संघ बनाने के बाद में संघ में जो दिक्कत आई वो प्रश्न आते थे, उनके जवाब में वो उनका नियम बनाते थे। ये ठीक ऐसे जैसे किसी देश की व्यवस्था चलती है, जैसे जैसे समस्या आती है संसद उसी हिसाब से नियम बनाती चली जाती है। नियम में कमी है तो फिर उसको दोबारा ठीक कर लेते हैं, समय के अनुसार नियम बदलता है तो उसको फिर बदल देते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने जाते समय कहा था कि आनंद, अगर भिक्खु कोई नियम बदलना चाहे छोटे मोटे तो बदल सकते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि नियम हमेशा फिक्स नहीं होते। उपासक इस बात को वहां जानते थे कि ये जो भिक्खु कर रहे हैं ये विनय के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है। एक उपासक बहुत समझदार था। उस गांव में एक अन्य दिन भिक्खु आया, भिक्खु ने चारिका की। चारिका करते समय उस उपासक ने भिक्खु का अपने यहाँ भोजन दिया, पिंडदान कराया, धम्म सीखा। धम्म सीखने के बाद में उस भिक्खु से निवेदन किया कि आप जब भी भगवान बुद्ध के पास जाएं तो यहाँ की बता देना कि ये अस्स जी और पुनब्बसु दोनों ही भिक्खु ने यहाँ अधम्म सिखा रहे हैं और अधम्म फैला रहे हैं और इन्होंने विनय पिटक के नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को अधमी बना रहे हैं, अधमी कर रहे हैं। वो भिक्खु जाता है, भगवान उससे पूछते हैं, क्लब से सारे रास्ते का वो विवरण बताता है। फिर वो जो कीटागिरी होता है उसकी भी बात बताता है। भगवान उसकी बात सुनते हैं और सुनने के बाद में सारी पुतकोर महामोगल्यान को वहां भेजते हैं ताकि वहां धम्म स्थापित हो सके। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा वहां कही। ओव दया मुसास्य असभ्या च निवार्ये सत च ही सो पियो होती असत्तंग होती अपियो। ओवा दया अनुशास्य, ओवा दया अनुशास्य, ओवाद ओवाद का मतलब होता है उपदेश, यानी उपदेश करें, अनुशासन करें। अनुशास्य का मतलब है अनुशासन करें और ओवादे का मतलब है उपदेश करें, प्रीचिंग करें। असभ्या च निवार्य, असभ्या शब्द यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हड़प्पा की सभ्यता पढ़ा होगा, सुना होगा, या सिविलाइजेशन जो सुनते हैं या भारत में कहते हैं कि सभ्य आदमी है और ये असभ्य है। जो सभ्य के लिए यानी जो सभा के लिए योग्य होता है, सभ्य होता है यानी सभा के लिए योग्य होता है, उसको सभ्य कहते हैं। यानी जो लोगों के बीच में बैठने लायक हो उसको सभ्य कहते हैं और जो सभा में बैठने लायक ना हो उसको असभ्य कहते हैं। तो ये है असभ्या, यानी कि जो सभा में बैठने लायक नहीं है। और निवार्य, निवार्य का मतलब है जो रोकता है। सत चही, सत चही यानी सतंग चही सो पियो होती, सतंग चही सो पियो होती का मतलब है
सज्जन को ही वह प्रिय है, यानी सत माने सज्जन होता है, ही माने वास्तव में यानी जैसा, सो माने वह, पियो माने प्रिय, यानी कि जो व्यक्ति उपदेश दे, जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है उसके अनुसार शिक्षा दे और जो असभ्य मार्ग पर जाने से रोके। असभ्य निवारी, निवारे माने रोकना होता है, जो असभ्य मार्ग पर जाने से रोके वो व्यक्ति संत चय ही, यानी जो संत होते हैं वास्तव में सो पियो होती, उनके लिए बड़ा प्रिय होता है, और असंत होती अपियो, और अपियो होता है, अप्रिय होता है जो दुर्जन लोग होते हैं, जो असंत होते हैं, जो सज्जन नहीं होते हैं। ये बात उस समय भगवान बुद्ध ने कही। इस कहानी में, इस देशना में एक खास बात बड़ी स्पष्ट जाती है, क्योंकि अगर सीखने वाला जागृत होगा, यानी कोई संगठन है, कोई संघ है, या कोई देश है, या कोई शहर है, अगर वो उसके लोग जागृत होंगे, वो ये जान लेंगे कि जो ये राजा है या जो भिक्खु है या जो भी ये काम चल रहा है, अगर उस काम को ठीक तरह से हो रहा है, वो सब कुछ ठीक है, तो वो सज्जनों को प्रिय होता है, और अगर वो काम ठीक नहीं है, उसकी शिक्षा ठीक नहीं है, लाभकारी नहीं है, तो वो अप्रिय होता है, तो वो उसको रोकता है अपने बल पर। यहां भी जब उसने देखा कि जो ये दोनों भिक्खु हैं वो दोनों अधर्मिक काम कर रहे हैं, विनय के विपरीत कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको रोकना चाहा, मगर भिक्खुओं ने मेजोरिटी अपनी तरफ की हुई थी और मेजोरिटी में पूरा आनंद मेजोरिटी ले रही थी, खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का, फूल माल मालाओं का, उनको लगता था कि हमारे लिए ठीक है, इसलिए वो अधर्मिक होने से, पाप कर्म करने से कोई हिचकिचा नहीं रहे थे। मगर जो अच्छा व्यक्ति था, जो सज्जन था, जो धार्मिक था, उसको ये पता था, इसलिए जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने भगवान बुद्ध तक उनकी खबर पहुंचाई और भगवान बुद्ध ने वहां से जो भिक्खु भेजे उन्होंने वहां धम्म को फैला दिया। ये बात आज भी दुनिया में होती है कि दुनिया में जरा सा मौका मिला नहीं, यानी आपने अगर अपने किसी उपदेश देने वाले को या अपने किसी ऊपर बैठे व्यक्ति को या जिसको आपने अधिकार दिए हैं, अगर आपने वो अधिकार चेक नहीं किए या देखे नहीं, तो वो कब सज्जन से दुर्जन हो जाए, कब धम्मिक से अधम्मिक हो जाए, कब पुण्य से पाप में बदल जाए, कब वो मनुष्य से बिल्कुल ऐसा हो जाए जो लोगों को नुकसान देने वाला हो, इसको कोई नहीं कह सकता, कभी बदल सकता है। इसलिए देखते रहिए, चेक करते रहिए और नियमों को जानते रहिए कि नियम कैसे हैं। अगर ये व्यक्ति नियम नहीं जानता विनय के, तो उसको लगता है कि जो भिक्खु कर रहे हैं वही ठीक है। इसलिए विनय पिटक को समझिए, देखिए, जो भारत के नियम है, रूल है, उनको देखिए, समझिए। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
शरणं गच्छामि तदीयं विभुतं शरणं गच्छामि तदीयं धम्मं शरणं गच्छामि तदीयं धम्मं शरणं गच्छामि तदीयं संघं शरणं गच्छामि तदीयं संघं शरणं गच्छामि साधु 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 कामेश मिथ्याचार विरमणि सिक्खापदं स्मादयामि कामेश मिथ्याचार विरमणि सिक्खापदं स्मादयामि कामेश मिथ्याचार विरमणि